सब्सक्राइब करें गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें ऑल पे, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम देखिए तुलसी के प्लांट पे बात करेंगे। तो दोस्तों सर्दी के मौसम में लगभग बहुत सी हमारे जो फ्रेंड होते हैं उनकी तुलसियाँ सूख जाती हैं। मेरी भी तुलसी सूख गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसे नए सिरे से फिर ग्रो करें। तो उसके लिए बस आपको कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी तुलसी का प्लांट ड्राई होता है, सूख जाता है, तो उसके ऊपर देखिए कुछ आपको दिखेंगे तुलसी के, देखिए ऐसे फ्लावर रहते हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे इनके अंदर सीड होते हैं, बहुत बारीक सीड होते हैं। अगर एक आप फूल तोड़ेंगे तो उसमें कई सारे सीड आ जाएंगे, 50 से 60 के लगभग सीड आपको मिलेंगे। तो देखिए ये आप अपने तुलसी के प्लांट से उतार सकते हैं जितने सीड हैं, और फिर आज हम इनको ग्रो करना सीखेंगे। तो दोस्तों इसका पार्ट मैं 1 बना रहा हूँ। आगे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब रख के बेल आइकन प्रेस रखना, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों किसी बर्तन में हमको इसको जो रफ़ करना होगा, तभी हम इसके सीड जो है कि निकाल पाएंगे। तो हम इसे धीरे धीरे से इसमें रफ़ करते हैं, तो देखते हैं। और आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि जब भी आप ये सीड जो निकाल रहे हैं ये पूरी तरह से सूखे हुए हों। अगर आप हरे फ्लावर उतार लेंगे पौधे पर से तो वो नहीं ग्रो हो सकेंगे। जब आप इनको उतारेंगे पौधे पर से, तब आप इनको हल्के हल्के से रफ़ करेंगे तो जितने सीड हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सीड गिरने शुरू हो गए हैं, बस आपको हल्के हल्के रफ़ करना है। तो हमारे सीड लगभग रफ़ हो रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। तो लगभग हमने सारे जो सीड हैं उनको हमने रफ़ करके और सही कर लिया है। अब इसको देखिए, इसमें लगभग हमारे 100 सीड के लगभग हैं, इसमें 100 से ज़्यादा ही हैं। तो अब इनको हम सारा जो कि है एक गमले में डालेंगे। तो हम देखिए छोटा सा एक पोट लेंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत बारीक बारीक सीड हैं। तो देखिए इसमें हमने 50% रेत लिया है, 50% बालू लिया, वो मिट्टी ली है, और थोड़ी इसमें हमने खाद भी मिलाई है। अब हम अपने जो जितने सीड हैं ये सब इसी के ऊपर हम डाल देंगे। और देखिए काफ़ी बारीक सीड है। आप ये काम हवा में ना करें, क्योंकि हवा में बहुत हल्के सीड होते हैं तो हवा में उड़ जाएंगे इधर उधर। तो देखिए हल्के हल्के से हमको इसको पूरे पे फैला देना है। तो देखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम इसको हल्के से इस पर हमें सावरिंग करनी है। आप इस पर डायरेक्ट पानी ना डालें, नहीं तो सीड अपनी जगह से जो है कि हट जाएंगे। और आप इसको हल्के हल्के से हल्के हाथों से इसको थोड़ा दबा दीजिए। चाहे तो आप इसके ऊपर से हल्की सी लेयर भी डाल सकते हैं मिट्टी की। तो मैं तो नहीं डाल रहा हूँ लेयर, मैं इसको हल्के हल्के दबा देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी लेयर अगर हम डाल देंगे तो हमारे सीड जो है ग्रो नहीं हो पाएंगे। और हम देखिए ये मेरे पे बोतल है, तो इसी से ही मैं इस पर सावरिंग करता हूँ। तो हमको सावरिंग करते रहना है, और इसमें हमें हमेशा नमी बनाए रखनी है, और कभी भी पानी इसमें हमें धार बांध के नहीं डालना है, नहीं तो हमारे सीड जो अपने जगह से हट जाएंगे और ग्रो होने में दिक्कत होएंगे। तो हमें जब भी इस पर पानी डालना है तो सावरिंग से डालना है। तो देखिए हमने सावरिंग इस पर कर दी है, पूरे तरह से गीला हो गया है, और हमें इसे छाई वाली जगह में रखना, फुल धूप में नहीं रखना है। और हर इसे हर दूसरे दिन इस पर सावरिंग हमें करनी है, जब इसकी नमी जो सूख जाए। तो दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग। यहीं से दे, यहीं से।